बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दाऊद सबर। आप सबको पता है मेरे पास 100 जूस है। इन जूसों को ना मैं डब्बों में रखता हूँ। वो डब्बे काफ़ी छोटे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आकर ना कहीं मर जाते हैं। तो आज इनका ना मैं न्यू घर भी बनाऊँगा। ये जो कमरा है ना, ये सब जूसों के लिए है। ये काफ़ी ज़्यादा कमरा गंदा भी हो गया, अब इसको साफ़ करेंगे और फिर न्यू घर बनाएंगे। पहले कमरे को अच्छी तरह साफ़ करते हैं। मेरे साथ हेल्प यार, मेरा भाई भी आ गया। बता कपड़े को साफ कर करना एक साइड पे हमने सारा कूड़ा लगा दिया है। हम इनमें से ना ये लालन की चीजें, ये लकड़ी, ये निकाल लेंगे। ये जो थोड़ी जो मट्टी है ना, इसको यही फैला करना, यही चूजू का घर बना देंगे। चूजे जो है ना मट्टी में बहुत इंजॉय करते हैं, इसीलिए ना मट्टी को इधर ही रहने देंगे, ऊपर घर बना देंगे चूजू का। मुझे पैसे भी मिल गए हैं, लगता है हमारे जूसर पैसे देते हैं। पूरे से जो चीजें मिली है ना, इनको बाहर फेंक देते हैं। मुझे 5 रुपये भी मिले हैं। तो अभी जूसर का न्यू घर बनाते हैं हम। जो है ना चूजू का घर ना ईटों से बनाएंगे, वहाँ जो है ना ईंटे ला करना, चूजू का घर बना देंगे। अभी ईंटे लाते हैं और घर बनाते हैं। ये देखे चूजे कितने मजे के साथ मट्टी के साथ खेल रहे हैं। चूजू का घर बनाने के लिए ना ईंटे और ये लकड़ियां ले आए हैं। अभी चूजू का घर बनाते हैं। दीवारें बन गई हैं, अब इसके ऊपर छत डालते हैं।
होते हैं। वो देखिए कितने खुश हैं माशाल्लाह। रोज शाम को ना मैं इन चूजों का ना यहाँ रख दूंगा क्योंकि बिल्ली ना खाएगी। अभी इन चूजों को बाहर निकाल देते हैं। आज हमने अपने चूजों का कमरा भी साफ किया है और अपने चूजों का न्यू घर भी बनाया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।